राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, मैं ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, डेली मैं आपको एक मिनट का प्रयोग यानी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए, आपके जीवन में जो चल रही निराशा है उसे खत्म करने के लिए, मेंटल डिप्रेशन को खत्म करने के लिए, आपकी रोग बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिससे कि घर में रोग बीमारियां ना हो और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके भाग्य का आपको साथ मिलता रहे और निरंतर आपका घर में कलह क्लेश भी आपका समाप्त होता रहे। तो इसके लिए आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अभी स्टार्ट कीजिए और इनका आपको फल एक हफ्ते के अंदर आना शुरू हो जाए। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक हो रहा होता है यानी बार बार हम नाकामयाब हो रहे होते हैं, कभी हमारा जॉब नहीं चल रहा है, जॉब नहीं है हमारे पास, या बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमारा शादी विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह हो गया तो आपसी सामंजस्य नहीं है, परिवार में क्लेश बना हुआ है, बच्चों का फ्यूचर सेट नहीं हो पा रहा है, कहने का मतलब अगर पग पग पर आपको असफलताएँ मिलती हैं तो आपसे कह दिया जाता है कि आपकी कुंडली से होते हैं। अगर किसी ज्योतिषी ने बता दिया, महंगी महंगी पूजाएं बता दी, अब आपके पास इतना तो पैसा है ही नहीं, फिर आप क्या करें? तो क्या ये योग या दोष इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि इनसे आप जीवन में कभी निकल नहीं सकते हैं? जी बिल्कुल निकल सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सरल उपाय देने जा रही हूँ। यकीन मानिए, इन्हें करने से आपके जीवन का पितृदोष है, काल सर्प दोष है, बंधन दोष है, मुक्ति मिल जाती है। जब भी आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों की बलाबल कम हो जाता है, अशुभ ग्रहों का बलाबल ज़्यादा हो जाता है, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, ये चार ग्रह इनको बताया जाता है जीवन में दंगल करने वाला, जब इनका बलाबल ज़्यादा हो जाता है तब जीवन में संघर्ष का पाठ पड़ जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आपने कर लिया और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ में, यकीन मानिए आपको काल सर्प दोष, आपको पितृदोष और आपको बंधन दोष कोई पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा आज का वीडियो देख के बहुत सारे लोग, जो पंडित पुजारी जो आपको पूजा पाठ बताते हैं, महंगे महंगे खर्चे बताते हैं, शायद वो नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। देखिए, चलिए दोस्तों, मैं जो डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ इसकी विशेषता यही है, इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न, किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, आप इन प्रयोगों करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको एक तरह से होम रेमिडीज़ की तरह से काम करते हैं, आपको कभी भी ऐसे किसी सिचुएशन में नहीं फंसने देते हैं जहां के लिए से निकलने के लिए आपको रास्ता ना मिले। 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार, आज का राहु काल है सुबह 9:10 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 चम्मच नमक लेना है, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको जल प्रवाह यानी अपने ही घर में बेसिन में आपको बहा देना है। यकीन मानिए, इस प्रयोग को करते ही आपके अंदर की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, मन प्रसन्न होगा, हर कार्य में आपका मन लगेगा। जादुई अक्षर है पवन वाला पा, इस पा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में पितृदोष बनता है, राहु और केतु का सूर्य के साथ में ग्रहण लगाना या शनि के साथ में होना या फिर आपके चतुर्थ भाव में होना, चंद्रमा के साथ में होना, तो ये स्थितियाँ आपके जीवन में जो बंधन दोष है या पितृ दोष है या काल सर्प दोष का निर्माण करती है। यूं तो काल सर्प दोष हर व्यक्ति की कुंडली में होता ही होता है, क्योंकि राहु केतु रेट्रोग्रेड चलते हैं, यानी अगर इधर से राहु चल रहा है तो उधर से केतु चल रहा है, और ये 12 के 12 भाव में कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे। अब जिस भाव पर बैठे, जैसे भाग्य भाव पर बैठ गए तो भाग्य भाव से आपको पीड़ित करते हैं, लग्न पर बैठ जाए तो आपके शरीर को, आपके मन को पीड़ित करते हैं, और वहां से सप्तम को देख रहे हैं तो सप्तम का लाभ आपको नहीं मिलता, यानी पति पत्नी में झगड़े। लाभ में भाग्य में बैठे हैं तो वहां से कर्म क्षेत्र को खराब कर रहे हैं, अब कर्म क्षेत्र आप कर भी रहे हैं लेकिन उससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है,
लाभ में बैठे हैं तो यहाँ से पंचम स्थान को देख रहे हैं, यानी आपकी बुद्धि और विद्या को एकदम से पीड़ित कर देते हैं। आपकी बुद्धि उस तरह से काम करती नहीं है कि आपको लाभ मिल जाए। कहने का मतलब है कि ये कुंडली दोस्तों, ये जो राहु केतु का जो बार बार आपको काल सर्प दोष से बताया जाता है, ये कहीं भी इसका शास्त्रों में वर्णन नहीं है। काल सर्प दोष का शास्त्रों में वर्णन नहीं, ये आज के युग में बनाया हुआ काल सर्प दोष है। और जिसके लिए कहते हैं कि त्रम्बकेश्वर में जाकर पूजा करा लीजिए या पितृदोष की जाकर गया में पूजा करा लीजिए, क्या दोस्तों एक बार की पूजा से आपके ग्रह शांत हो जाएंगे? मुझे तो कभी नहीं लगता ऐसा कि एक बार की पूजा से आपके ग्रह शांत हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा अचूक प्रयोग कर लिया जाए कि जिससे कि आपके जीवन में इन सभी दोषों से आपको मुक्ति मिल जाए। देखिए दोस्तों, शनि राहु केतु और मंगल ये सभी ग्रह भूमि से जुड़े हुए हैं। जब भी आप काली चींटियों के बारे में, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो दिया हुआ है, तो अगर आपके जीवन में पितृदोष बने, एक तो अपने जीवन में जब भी आपको पितृदोष है तो घर की पहली रोटी पर घी चीनी रखकर आपको अपने किचन में ही, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर इसकी पंचबली देनी है, वो डेली देनी है। केवल पितृपक्ष में ही नहीं देनी है, ये आपको पूरे साल भर दीजिए, 2 साल दीजिए, 5 साल दीजिए। यहाँ पर जो भी व्यक्ति करेगा, चाहे वो पत्नी कर रही हो, चाहे वो पति कर रहे हो, घर का मुखिया कर रहा हो, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, और उसके बाद में सभी पितरों से क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको इस रोटी के 5 टुकड़े करने हैं। ये वीडियो मैं पहले आपको दे चुकी हूँ। जल घुमाना हो पितरों को, वो जल अर्पित कर देना है। यकीन मानिए आपके जीवन का वो सारा संघर्ष खत्म होने लगेगा। और इसको ले जाकर चाहे तो पक्षियों को डाल दीजिए, चाहे कुत्ते को खिला दीजिए, चाहे गाय को खिला दीजिए। इस तरह से आप जब निर्जीव निर्दोष प्राणियों को आप भोजन देते हैं तो बहुत हद तक आपके जीवन का ये पितृदोष समाप्त होने लगता है। बात करती हूँ आज के विशेष उपाय की, तो इसमें आपको चाहिए 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 12 हल्दी की गांठें, 1200 ग्राम चने की दाल, 12 बेसन के लड्डू, और आपको एक चाहिए गेंदा की माला। और इसमें आपके परिवार में जो आपके खुद का खून है उतने सिक्के, 10 के रख सकते हैं, 5-5 के रख सकते हैं, और सिक्के ही रखने हैं, नोट नहीं रखने हैं। अब आपके घर में 4 सदस्य हैं, अब इसमें आपके परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य हैं, तो 4 सदस्यों के लिए आपने 10-10 रुपये रख दिए। अब आपको अपने परिवार में, यानी कि इसमें आपको अगर मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, जितने कि आप साथ रह रहे हो, उतने 10-10 के कॉइन आपने इसमें रख दिए। उसके बाद आपके पति के परिवार में, पति की बहन है, पति के भाई हैं, भाई के बच्चे हैं, वो सारे इसमें काउंट होंगे, उनके नाम से आप 1-1 या 2-2 रुपए के सिक्के इसमें ऐड करते जाइए। बहनें काउंट होंगी, बहन के पति काउंट नहीं होंगे, बहन के बच्चे काउंट नहीं होंगे, भाई के बच्चे काउंट होंगे, बहुएं काउंट नहीं होंगी इसमें, और नाती पोते सब काउंट होंगे इसमें, साथ में दादी काउंट होंगी, ताई चाची इसमें काउंट नहीं होंगी, माँ काउंट होंगी केवल। तो यानी इतने सिक्के जितने भी आपको याद आते हैं उतने इसमें 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के रखिए। पोटली बनाइए, और ये प्रयोग आपको गुरुवार को करना है। सिर से अपने पूरे परिवार के या जिस व्यक्ति को विशेष आपको पता है कि इसके जीवन में या घर के मुखिया के, सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी भी मंदिर में जाकर पुजारी को, पंडित जी को देकर पांव हाथ लगा लीजिए। अगर आप एक बार ये प्रयोग कर लेते हैं और हर या 30 या 3 वर्ष में या 5 वर्ष में एक बार प्रयोग ये करते रहते हैं, यकीन मानिए किसी भी तरह का काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, और साथ में बंधन दोष से सभी की मुक्ति होने लगती है, और आपको अपने जीवन में शुभता मिलने लगती है, और आप उत्तरोत्तर तरक्कियां करने लगती हैं। सो ये था एक सिंपल तरीका, मात्र 100 या 200 रुपए में आपका ये प्रयोग हो जाएगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं, और इससे आपको सफल मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वह शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी 9 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग कर रहे हैं। व्हाइट कलर के पेपर पर आप रेड कलर से 7 नंबर यानी 7 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसके साथ ही आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने
जीवन में चल रही समस्याओं का निदान चाहते हैं तो उसके लिए 8077506510 इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं, क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही धन वर्षा पोर्टली चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबरों पर मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा अपने जीवन में तरक्कियां करते रहें, ऐसी आप सभी के लिए कामना करती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।